डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स वो सेंटेंस का किस जगह पे इस्तेमाल होता है, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। और एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें डिस्कस किया हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और जब वीडियो ख़त्म होगा तो स्क्रीन पे भी उसका लिंक आ जाएगा। तो अगर एडवर्ब के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स उस वीडियो को देखो, बेटर होगा। इस वीडियो में मैं आज सिर्फ तीन एडवर्ब्स का पोजीशन के बारे में डिस्कस करूँगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। नंबर वन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर एन इंट्रांजिटिव भाव और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव भाव। सिंपली एडवर्ब ऑफ मैनर कोई इंट्रांजिटिव भाव उसके ठीक बाद इस्तेमाल होगा, या अगर वो भाव ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव भाव में तो एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। बट इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिटिव भाव और इंट्रांजिटिव भाव किसको बोलते हैं। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उम्मीद है सबको ट्रांजिटिव भाव इंट्रांजिटिव भाव पता होगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा उसको अगर हम लोग हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, निखिल रीड्स क्लियरली, निखिल बिल्कुल स्पष्ट पढ़ता है। अब अगर मैं भार्व को क्वेश्चन करूंगा कि हाउ डज निखिल रीड, तो आंसर आ जाता है क्लियरली, कि निखिल कैसे पढ़ाई करता है ना, निखिल क्लियरली पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, रीड्स वो एक इंट्रेंसिटिव भाव है जिसके कारण क्लियरली इस भाव के तुरंत बाद इस्तेमाल हुआ है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, कि सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। फिर यहाँ पे भार्व को क्वेश्चन करो हाउ से, हाउ डिड द सोल्जर फाइट, तो जवाब आएगा ब्रेवली, कि सोल्जर बहुत बहादुरी से लड़े थे। तो यहाँ पे भी देखो फॉट जो है वो एक इंट्रेंसिटिव भाव है जिसके कारण ब्रेवली उसके तुरंत बाद ही इस्तेमाल हुआ है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का। नंबर वन क्या बोल रहे, देखो द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। यहाँ पे मेन हमें देखना है हमेशा हर एक सेंटेंस में जो भार्व है वो कौन सा भार्व है, क्या वो इंट्रेंसिटिव है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे सॉल्व जो है वो एक ट्रांजिटिव भाव है, और रूल्स में बताया गया था कि ट्रांजिटिव भाव के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भाव है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, और इसलिए क्विकली द प्रॉब्लम उसके बाद इस्तेमाल हुआ है। नंबर टू देखो, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। स्लेप्ट यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव भाव है, मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और इंट्रांजिटिव भाव होने के कारण साउंडली एडवर्ब ऑफ मैनर स्लेप्ट के तुरंत बाद ही इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई ऐसा बोल दे द चाइल्ड साउंडली स्लेप्ट, तब वो गलत हो जाएगा। नंबर थ्री, शेली टॉक्स एंग्रीली टू हर पेरेंट्स। तो शेली बहुत गुस्से से बात किया था अपना पेरेंट्स के साथ। यहाँ देखो एंग्रीली बिल्कुल टॉक्स के बाद इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द बॉय रन्स फास्ट, रन्स वो एक इंट्रेंसिटिव भाव है जिसके कारण फास्ट रन्स के तुरंत बाद ही इस्तेमाल हुआ है। नाउ नंबर टू, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कम आफ्टर एन इंट्रेंसिटिव भाव और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव भाव। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो इंट्रेंसिटिव भाव के तुरंत बाद इस्तेमाल होगा, या अगर ट्रांजिटिव भाव होगा तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ही बात बोल रहा है, दोनों का एक ही रूल्स है। कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लो, जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर वहाँ, नियर करीब, मतलब जहाँ से हमें, जिस वर्ड से हमें कुछ
प्लेस के बारे में ही जानकारी मिले, ऐसा वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है इस लिस्ट को ध्यान से देख लेना। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर वेयर से हम भार को क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हीरा लिव्स हियर सिंस 2015, हीरा यहाँ पे 2050 से रह रहा है। अब क्वेश्चन क्या जाए भार को वेयर से, कि वेयर डज हीरा लिव, आंसर आएगा हियर, यहाँ पे। तो हियर ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लिव, लिव यहाँ पे इंट्रांसिटिव भाव है जिसके कारण हियर भार्व के तुरंत बाद इस्तेमाल हुआ। अब एग्जांपल देख लिया जाए, द चीफ मिनिस्टर विल गो देयर, चीफ मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे गो इंट्रांसिटिव भाव है जिसके कारण उसके तुरंत बाद देयर इस्तेमाल हुआ। नंबर टू, वी कैन सी ट्रीज एवरीवेयर इन इंडिया, हम लोग इंडिया के हर जगह पे ट्री देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं। तो यहाँ देखो सी वो एक भार्व है, बट ये कौन सा भार्व है, ट्रांजिटिव भार्व है, क्योंकि क्या देख सकते हैं ना, ट्रीज देख सकते हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट है ट्रीज और इसके कारण एवरीवेयर ट्रीज के बाद इस्तेमाल हुआ। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिख दे वी कैन सी एवरीवेयर ट्रीज इन इंडिया, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कि एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कम आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कोई इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद इस्तेमाल होगा, या ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसका ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, तीनों का जो रूल्स है वो एक ही है। कुछ एग्जांपल्स इसका क्या है, नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, एटसेट्रा। क्योंकि ये सभी वर्ड से हमें कोई समय के बारे में ही जानकारी मिलता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि एडवर्ब ऑफ टाइम अगर हम भाग को व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वही आंसर होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल देखो, हालिमा केम अर्ली विथ हर पेरेंट्स, हालिमा अपना पेरेंट्स के साथ बहुत जल्दी आ गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या जाए भाग को व्हेन से, व्हेन डिड हालिमा कम, तो आंसर है अर्ली, के जल्दी आ गई थी। नाउ एग्जांपल, आई मेट हिम यस्टरडे, तो मेट ये एक ट्रांजिटिव भाव है और उस ट्रांजिटिव भाव का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, जिसके कारण यस्टरडे हिम के बाद इस्तेमाल हुआ। अगर कोई ऐसा बोल दे आई मेट यस्टरडे हिम, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि मेट ट्रांजिटिव भाव है। नंबर टू देखो, द ट्रेन अराइव्ड लेट, अराइव ये भी इंट्रांसिटिव भाव है, मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जिसके कारण लेट अराइव्ड के बाद इस्तेमाल हुआ। नंबर थ्री, वी शैल स्टार्ट द मैच सून, स्टार्ट वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि स्टार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। और रूल्स हमें क्या बताया, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा, इसके कारण द मैच के बाद सून ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो यही है तीन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। बाकी और भी कुछ एडवर्ब्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा,